गाइस आज मैं कोई व्लॉग वगैरह नहीं डाल रहा हूँ गाइस, मैं बात करने वाला हूँ उस चैनल के बारे में जिसके गाइस 27 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और जिसके चैनल का नाम है राउंड टू हेल। गाइस वही जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गाइस आज मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ उन लोगों के बारे में, चैनल के बारे में उनके, जो कि गाइस आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस मैं अपने चैनल से हट के मतलब मैं व्लॉगिंग करता हूँ और गाइस मुझे आज इस टाइप का वीडियो बनाना पड़ रहा है सिर्फ आपके लिए और जो कुछ लोग ऐसा करते हैं उनके लिए। तो गाइस बात ऐसी है कि मुझे अभी पता चला, मैं अभी कॉलेज से आया था तो मैंने अभी वीडियो देखा तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, क्या पता मेरी ऑडियंस को पता हो कि ना पता हो। तो गाइस मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, सीधे बताता हूँ। तो गाइस जो राउंड टू हेल चैनल है जिसके गाइस 27 मिलियन सब्सक्राइबर थे, गाइस उनका 4 साल पुराना वीडियो आज जाके वायरल हुआ है। मतलब गाइस पहले से थे 50-60 मिलियन व्यूज़ पर गाइस अब वो 90 मिलियन क्रॉस कर चुका है और गाइस मतलब वायरल है अभी। और गाइस उस वीडियो को देख के एक्शन लिया गया कि उनको कोर्ट में बुलाया गया था, वसीम भाई को जो उस चैनल के ओनर हैं, और गाइस उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, एक दिन वो जेल में भी रहे। तो गाइस मैं अभी क्लिप डाल देता हूँ और आप वो क्लिप देखो और फिर आगे मैं बताता हूँ। तो मोहन इज डूइंग ए गुड वर्क, इसका हिंदी में मतलब हुआ मोहन अच्छा काम कर रहा है। तो तुम बताओ राधा इज डूइंग ए गुड वर्क, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके तू बता भाई, तू बताओ। मोहन इज डूइंग अ गुड वर्क, मोहन काम कर रही है, मोहन काम पे लग गया ना जी। अरे और 3000 रुपए महीना कमा रही है, हम भी जाएंगे फैक्ट्री। राधा क्या कर रही है इंग्लिश में? सर राधा तो कर रही है, पूछ ले इससे बेटा। मां कसम मैंने खुद देखा सर, जुम्मे रात के बाजार में छेड़ रहा। बेटे तू बाहर को आ जा। ओह नो, राधा कर रही है। और क्या सर, बेहिसाब लोंडे होटल पर मैं जा रही हूं, मुझे यूं कर गई जैन, वो तो मैं शरीफ लोंडा। तो गाइज आप लोगों ने वो क्लिप देख लिया, तो गाइज मैं बताता हूँ कि उनका एक लाइफ मतलब स्कूल लाइफ के ऊपर एक वीडियो था जो कि गाइज अब जाके वायरल हुआ है। और गाइज जो वो वसीम भाई हैं वो एक दिन तक जेल में रहे। गाइज वो रात भर सोए तक नहीं क्योंकि गाइज उनको टेंशन थी कि मेरा चैनल डिलीट ना हो जाए, क्योंकि गाइज उस चैनल को आज खड़ा करने में उन्होंने अपना पूरा करियर दांव पे लगा दिया गाइज। और गाइज बहुत ज़्यादा मेहनत इस चैनल पर करी गई थी। तो गाइज उनके जो दो साथी है वो अभी तक फरार हैं, मतलब वो अपने आप को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं कि हम बच जाए, पर गाइज देखते हैं अभी क्या होता है। और गाइज जो मतलब जैसे कि मैं भी हिंदू धर्म से हूँ, कई सारे धर्म होते हैं, तो गाइज मैं भी हिंदू धर्म से हूँ, कुछ हिंदू धर्म वालों ने उन पर मतलब केस किया है अब जाके कि राधे नाम यूज़ करके मतलब भगवान को हमारे ठेस पहुँचा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि ये बताओ मुझे कि अगर किसी की वाइफ का या किसी भी लड़की का नाम राधा है और अगर वो गाली देता है तो आप क्या उसको सीधा भगवान से कंपेयर कर दोगे? हैं, लोगों के नाम राम नरेश क्या क्या होते हैं, मतलब राम कृष्णा क्या क्या से मिलते हैं, क्या उससे कोई गाली नहीं देता? और क्या अगर कोई गाली देगा तो उसके ऊपर केस कर दिया जाएगा? एक तरीके से माना जाए तो ये छोटी सी बात है पर ये बवाल कर दिया आज। और गाइज मतलब कहना चाहता हूँ मैं भी क्रिएटर हूँ और हो सके तो मेरी वीडियो को कुछ यूट्यूबर ही देख रहे हो वीडियो, तो गाइज समझो कि अगर किसी ने पूरी मेहनत करके अगर मतलब दिन रात मेहनत करके और 27 मिलियन सब्सक्राइबर किया या उससे भी ज़्यादा किया या 10,000 भी सब्सक्राइबर कर लेता है अगर गाइज तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि गाइज इसमें बहुत मेहनत लगती है। आप लोग तो वीडियो देखते हो ना थोड़ी देर के लिए, गाइज इसके पीछे हम लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है बनाने में वीडियो को। और वही गाइज अब उनका चैनल डिलीट भी हो सकता है, तो गाइज अब देखते हैं आगे क्या होता है। और गाइज मुझे तो लगता है ये सही नहीं हो रहा है उनके साथ, क्योंकि गाइज ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। गाइज राधे नाम तो किसी का भी हो सकता है और यार उस पर इतना बड़ा एक्शन लेना, जो कि गाइज 4 साल तक 50-60 मिलियन व्यूज़ थे तब किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, आज जब वो वायरल है तब लोगों ने एक्शन लिया। तो आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। और गाइज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन लोगों का चैनल डिलीट ना हो, बस बेशक वो वीडियो डिलीट कर दिया जाए पर चैनल डिलीट ना हो। तो गाइज मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग या नेक्स्ट प्रैंक में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।